वो सिंटैक्स समझ में आया सबको? सिंटैक्स सबको समझ में आया क्या? क्यों जरूरी है ये विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले हम रो नंबर या जो भी हमें रैंकिंग देनी है, रो नंबर रैंक एंड टेंस रैंक, उसके हिसाब से हम फंक्शन है वो सेलेक्ट करते हैं। देन वी यूज ओवर क्लॉज। ओवर क्लॉज के बाद ब्रैकेट के अंदर हम ऑर्डर बाय या पार्टीशन बाय लिख के उसको एक नाम देते हैं। जैसे रैंकिंग जो निकाल रहे हैं हम, उस रैंकिंग को हम एज इलियास देके एक नाम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो लेट मी रन दिस सिंटैक्स। अगर मैंने इसको रन किया तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें रैंकिंग मिलता है, राइट, रो नंबर रैंक एंड डेंस रैंक के हिसाब से। रैंक एंड डेंस रैंक में फर्क क्या है? इन केस ऑफ अ टाइज वो क्या करता है, रैंकिंग को स्किप करता है। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो नंबर होगा उसके लिए रैंकिंग स्किप कर देगा और नेक्स्ट नंबर की रैंकिंग देगा। अगर लेट से मेरे पास ये 12,000 सैलरी को सेम सैलरी है तो 15,000 को 1 देगा, 12,000 12,000 को 2 देगा, लेकिन दिस 10,000 को वो 4 देगा, 3 को वो स्किप कर देगा इन केस ऑफ रैंक। लेकिन डेंस रैंक में क्या करेगा, वो नंबर को स्किप नहीं करता, रैंकिंग कंसेक्यूटिव ऑर्डर में देता है। इन केस ऑफ अ टाइज वो दोनों को सेम रैंकिंग देगा एंड नेक्स्ट नंबर को, लेट्स से 2-2 अगर ट्राइज दिया है तो इसको 3 देगा। यहाँ पे अगर ये रैंकिंग सेम क्यों दिखा रहा है सबका, रो नंबर रैंक डेंस रैंक का, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय क्लॉज में दो कॉलम यूज किए हैं। यहाँ पे सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी का कॉम्बिनेशन से वो रैंकिंग दे रहा है। इन केस ऑफ अ टाइज, जैसे सैलरी के केस में अगर टाइज हो रहा है, देन इन केस इट गोज एंड रेफर एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग हमने लिखा है तो जिसका एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले होगा उसको रैंकिंग पहले मिलेगी एंड देन नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी को रैंकिंग मिलेगी 6, या जैसे यहाँ पे 2 और 3 मिली है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी का कॉलम यहाँ पे नहीं यूज करता तो दोनों को सेम रैंकिंग देगा वो 2-2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। तो रैंकिंग समझ में आया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, रो नंबर रैंक एंड डेंस रैंक, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये सिंटैक्स एंड उसका एक्चुअल यूज इस पर्टिकुलर टेबल पे हमने करके देखा था, ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। ओके, सो लेट्स फाइंड टॉप 3 एम्प्लॉय ओवरऑल। अगर मैंने मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर से टॉप 3 एम्प्लॉय चाहिए, अगर रैंकिंग की बात करूँ मैं, जैसे इस पर्टिकुलर रैंकिंग की बात करूँ तो टॉप 3 एम्प्लॉय कौन से है? दिस राइज 15,000 12,000 12,000, ये टॉप 3 के, राइट? तो आउटपुट में मुझे यही चाहिए, तो मैं क्यूरी में वेयर क्लॉज लगा सकता हूँ क्या? से मैं क्यूरी को लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार, देन आई यूज लेट्स से रो नंबर, देन ओवर, लेट्स से ऑर्डर बाय सैलरी, टॉप 3 चाहिए इसलिए सैलरी डिसेंडिंग करूंगा मैं, एंड आई विल से एम्प्लॉय आईडी कॉमा एंड लेट्स से आरएन फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने सिटी देखा हुआ है, राइट? सिटी देखा है ना हमने, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन देखा है ना हमने। ओके, सो दिस क्यूरी रिटर्न्स मी दिस पर्टिकुलर कॉलम, राइट? RN 1 2 3 4, वो सैलरी के हिसाब से मुझे एक नंबर देगा। नाउ नेक्स्ट क्या, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेयर क्लॉज लगाने जाऊँ कि वेयर RN, तो RN का जो कॉलम है, जैसे RN इज लेट्स से
लेस देन इक्वल टू थ्री, मुझे टॉप थ्री चाहिए राइट, तो लेस देन इक्वल टू थ्री लगाऊंगा एंड इफ आई ट्राइंग टू रन दिस वो एरर शूट करेगा क्योंकि आर एन ये इनवैलिड कॉलम बताएगा. क्यों बताएगा? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से फ्रॉम के बाद क्या रन होता है, वेयर रन होता है ना, तो जब वेयर रन हो रहा है तो ये कॉलम उसको मिलेगा नहीं क्योंकि सेलेक्ट तो बाद में रन होता है सबसे लास्ट, इसीलिए हम ये कॉलम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते वेयर क्लॉज में. हम डायरेक्टली ये विंडोज फंक्शन यूज कर सकते हैं क्या वेयर क्लॉज में, जैसे कॉलम नहीं यूज कर सकते तो ये विंडोज फंक्शन ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे. इफ आई एग्जीक्यूट दिस स्टिल मुझे वो एक एरर शूट करेगा कि विंडोज फंक्शन आप वेयर क्लॉज में नहीं यूज कर सकते क्योंकि विंडोज फंक्शन कैन ओनली अपियर इन सेलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लॉज. आप वेयर क्लॉज में विंडोज फंक्शन को नहीं यूज कर सकते. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर जो हमारी क्यूरी है इसको हम सिटी में डाल देंगे. क्या डाल देंगे, लेट्स से विद सिटी एज, इसको सिटी में डाल दिया हमने करेक्ट. एंड नाउ यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर आर एन इज लेस देन इक्वल टू थ्री, ऐसे डाल सकते हैं राइट, क्योंकि सिटी के अंदर ये कॉलम ऑलरेडी क्रिएट हुआ है. आप सिटी का रेफरेंस ले रहे हो तो वो कॉलम आपको मिलेगा. इफ आई रन दिस मुझे ये तीन एम्प्लॉय मिलेंगे जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है. आया समझ में? ओके. अगर इन केस लेट्स से मैंने यहाँ पे रो नंबर यूज किया है एंड ऑर्डर बाय सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग यूज किया है तो मुझे हर एक रो के लिए एक सेपरेट रैंकिंग मिल रही है. लेकिन अगर मुझे ऐसा आउटपुट में चाहिए था कि 12,000 सेम है ना, तो वो मुझे दो नंबर रैंकिंग पे चाहिए एंड 10,000 जो नीचे के है थ्री वाले वो भी मुझे आउटपुट में चाहिए. इनकेस अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए या ऐसी रैंकिंग देनी है, अगर सेम सैलरी रहा तो सेम रैंकिंग दो और वो आउटपुट में कंसिडर करो. यहाँ पे मुझे तीन मिल रहे हैं, सेम सैलरी के लिए सेम नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पे टू आएगा राइट, तो ये भी आउटपुट में आएगा. तो नेक्स्ट रो भी आएंगे जिनका रो नंबर थ्री रहेगा. तो अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रो नंबर मैंने क्या यूज किया, लेट्स से डेंस रैंक यूज किया यहाँ पे, लेट्स से मैंने यूज किया डेंस ओवर लेट्स से ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज आर एन. इफ आई रन दिस आउटपुट में मुझे कितना मिलेंगे, ये इतने सारे आउटपुट मिलेंगे. क्यों मिलेंगे, क्योंकि रैंकिंग देखो कैसी है, 1, 2, 2, 3, 3. हमने आउट वेयर क्लॉज में क्या लिखा है, आर एन इज लेस देन इक्वल टू थ्री. तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए उस हिसाब से हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें डेंस रैंक यूज करना है या रो नंबर यूज करना है. यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी के अंदर अगर लेट से मैंने ये एम्प्लॉय आई डी वापिस यूज किया यहाँ, तो आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय में सैलरी डिसेंडिंग लिखा है और एम्प्लॉय आईडी भी यूज किया है तो ये जो रैंकिंग मुझे मिली थी इसमें कुछ फर्क पड़ेगा या सेम रैंकिंग मिलेगी, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? सैलरीला प्रत्येक सैलरी तो वेगवेगळे घेणार त्याच्यामध्ये, तो कारण की आपण जैसे अपन ने रो नंबर का आउटपुट मिला था सेम आउटपुट मिलेगा अपने को डेंस रैंक का भी. सी 1, 2, 3 तीन आउटपुट मुझे मिले, 15,000, 12,000, 12,000 क्योंकि रैंकिंग 1, 2, 3 है. अभी कैसी रैंकिंग हुई है, 12,000 सेम सैलरी है तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे रैंकिंग होगी. 5 के लिए 2 मिलेगा, 6 के लिए 3 मिलेगा. रैंकिंग 1, 2, 3 मिल गई तो लेस देन और इक्वल टू 3 के हिसाब से ये तीन रिकॉर्ड मिलेंगे. समझ में आया ये सबको? ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज लेट्स से आई वांट टू फाइंड टॉप एम्प्लॉय बेस्ड अपॉन डिपार्टमेंट. हमारे पास जो एम्प्लॉय का टेबल है राइट, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज माय टेबल. इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं
तो आउटपुट में क्या मिलता है मुझे, मेरा टेबल मिलता है जिसमें डिपार्टमेंट आईटी 100 है, 200 है, 300 है, 500. अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट में हाईएस्ट हो, तो 100 वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें मुझे कौन मिलेगा, ये मोहित मिलेगा राइट, जिसकी सैलरी 15,000 है. 200 वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें कौन मिलेगा, ये दो मिलेंगे 12,000 12,000. एंड ये 300 और 500 जो डिपार्टमेंट है इनमें एक एक ही एम्प्लॉई है, तो टॉप वन वही होगा राइट, एक ही एम्प्लॉई है तो टॉप वन भी वही होगा उसका. तो अगर मुझे ऐसे चाहिए, मुझे पार्टीशन करना है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, देन आई कैन यूज पार्टीशन बाय क्लॉज इन ओवर क्लॉज, जो हमारा विंडोज एनालिटिकल फंक्शन में, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन बनाना पड़ेगा. ये पार्टीशन हम बनाते हैं इसीलिए इन फंक्शंस को विंडोज एनालिटिकल फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये 100 की एक विंडो बनती है. ये 100 जो है, ये 100 यहां से लेके यहां तक, ये जो एक सेट है इसकी एक विंडो बनेगी. जो आप क्यूरी लिखोगे वो इस विंडो को कंसीडर करके रैंकिंग करेगा. देन इस 200 की एक अलग विंडो बनेगी, इस विंडो के लिए एक अलग से रैंकिंग बनेगा. 300 का एक अलग विंडो बनेगा, 500 का एक अलग विंडो बनेगा. इसीलिए इनको कहा जाता है विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस. आप विंडोज प्रोवाइड करते हो, क्रिएट करते हो और उनके बेसिस पे रैंकिंग जनरेट करते हो, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस. इस पार्टीशन को जनरेट करने के लिए हम क्लॉज यूज करते हैं पार्टीशन बाय. कैसे यूज करेंगे, लेट्स से मैं यहां पे क्यूरी दिख रहा हूं अगेन, लाइक सेलेक्ट स्टार, लेट्स से रो नंबर, ओवर, यहां पे मैं लिखूंगा पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कॉमा एम्प्लॉई आईडी, ईएमपी आईडी असेंडिंग वन, से एज आर्यन फ्रॉम एम्प्लॉय. इफ आई रन दिस नाउ सी व्हाट हैपन. देखो अभी ये 100 की जो विंडो है, इस विंडो के लिए एक रैंकिंग बनाए 1 2 3 4. इसमें क्या किया, 15,000 को 1 मिला, इस 10,000 को क्या मिला, 2 और 3 मिला, बेस अपॉन एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ऑर्डर बाय में एम्प्लॉय आईडी भी है. देन दिस 200 का और एक पार्टीशन बना जिसकी रैंकिंग अगेन 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4. इस 300 के लिए एक रैंकिंग बना 1, और इस 500 के लिए एक रैंकिंग बना 1. तो अगेन मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज कर सकता हूँ कि वेयर आर एन इज इक्वल टू 1, तो मुझे ये फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा, देन ये फिफ्थ वाला मिलेगा, देन ये 9 और 10 मिलेंगे, तो मुझे हर एक डिपार्टमेंट का टॉप का एम्प्लॉय मिलेगा. समझ में आ रहा है? तो इसको अगेन वेयर क्लॉज यूज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सीटीज में डालना पड़ेगा. तो विद सीटी एज, इसको ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, देन आई कैन राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी वेयर RN is equal to 1. इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये 4 रिकॉर्ड मिलेंगे. 100 का डिपार्टमेंट आईडी का हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉई, 200 डिपार्टमेंट आईडी जिसका है उसका हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉई, 300 वाला एंड 500 वाले हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉई. समझ में आया पार्टीशन बाय क्लॉज कैसे यूज किया हमने, और पार्टीशन बाय क्या करता है. पार्टीशन बाय में आप अगर मल्टीपल चीजें डालते हो, जैसे डिपार्टमेंट आईडी मैंने डाला, तो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे पार्टीशन करेगा. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी एंड मैनेजर आईडी डाला, यहाँ पे पार्टीशन बाय में, जैसे हम ऑर्डर बाय में मल्टीपल कॉलम्स पुट कर सकते हैं, वैसे पार्टीशन बाय में भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने जैसे डिपार्टमेंट आईडी के साथ साथ, लेट मी कॉपी दिस क्यूरी, और यहाँ पे मैंने पुट कर दी. पार्टीशन बाय में मैंने डिपार्टमेंट आईडी डाला था, कॉमा करके मैं वापस डाल रहा हूँ मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी. इफ आई रन दिस नाउ सी हाउ रैंकिंग परफॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले 100
एंड 200 सॉरी 100 मैनेजर 100 डिपार्टमेंट आईडी एंड मैनेजर आईडी 2 इनका कॉम्बिनेशन यूनिक है डिपार्टमेंट आईडी 100 मैनेजर आईडी 2 ऐसा कहीं पे नहीं है तो इसको रैंकिंग मिलेगा 1 देन 100 डिपार्टमेंट आईडी मैनेजर आईडी 4 100 डिपार्टमेंट आईडी मैनेजर आईडी 4 ये दो सेम कॉम्बिनेशन है तो इनके लिए सेपरेट रैंक बनेगी 1-2 देन 100 डिपार्टमेंट आईडी एंड मैनेजर आईडी 5 ये यूनिक कॉम्बिनेशन है इसका रैंक मिलेगा 1 सेम वे 200 एंड मैनेजर आईडी 2 देखो ये सेम है 200 डिपार्टमेंट आईडी एंड मैनेजर आईडी 2 तो इन तीनों का एक सेट मिलेगा विंडो बनेगी और उनको 1-2-3 रैंकिंग मिलेगी समझ में आ रहा है देन 206 इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है 206 और कहीं पे भी नहीं है तो इसको एक रैंकिंग 1 मिलेगा 306 रैंकिंग 1 506 रैंकिंग 1 तो जो आप पार्टीशन बाय में जितने कॉलम्स प्रोवाइड करोगे उन कॉलम्स का कॉम्बिनेशन यूनिक कॉम्बिनेशंस का विंडो बनेगा एंड पार्टीशन ये जो रैंकिंग है वो रैंकिंग परफॉर्म होगी अगेन रैंकिंग के लिए ऑर्डर बाय नेसेसिटी है व्हेनेवर यू यूज विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस आपको ऑर्डर बाय क्लॉज पास करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज से ही रैंकिंग बनती है आप सिर्फ पार्टीशन बाय नहीं दे सकते विदाउट पार्टीशन बाय भी रैंकिंग काम करता है जैसे हमने ऊपर देखा इस केस में यहाँ पे हमने पार्टीशन बाय नहीं दिया था तो पार्टीशन बाय मैंडेटरी नहीं है बट ऑर्डर बाय मैंडेटरी है रैंकिंग में क्योंकि रैंकिंग इसी के बेसिस पे रैंकिंग बनने वाली है दिस पार्ट ये जो पार्टीशन बाय का पार्ट है ये तो आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर पार्टीशन बनाने के लिए यूज कर रहे हो पार्टीशन बनाओगे उसके हिसाब से रैंकिंग होगी अंडरस्टैंड हो रहा है पार्टीशन बाय का कंसेप्ट ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर ओके सो अभी तक हमने क्या पढ़ा विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस में 3 फंक्शंस है रो नंबर रैंक डेंस रैंक रैंक में क्या होता है रैंकिंग जो है वो स्किप होती है लेकिन डेंस रैंक में रैंकिंग स्किप नहीं होती इन केस ऑफ अ टाई देन हमने जो सिंटैक्स है सिंटैक्स में इन ओवर क्लॉज हमने सिर्फ ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करके देखा रैंकिंग परफॉर्म होती है बेस अपॉन दिस ऑर्डर बाय क्लॉज इज मैंडेटरी इन विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस देन हमने देखा पार्टीशन बाय क्लॉज यूज करके हम पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड उस पार्टीशन में रैंकिंग बना सकते हैं अभी यहाँ पे एम्प्लॉय का एग्जांपल हमने लिया हो सकता है कि आपके पास स्टूडेंट का टेबल हो स्टूडेंट के टेबल्स में अलग अलग उनके डिविजन्स हो तो डिविजन के बेसिस पे आपको अगर कुछ स्टूडेंट निकालने हैं टॉप 1 स्टूडेंट्स बेस्ड अपॉन डिविजन तो पार्टीशन करना पड़ेगा आपको डिविजन के बेसिस पे क्योंकि जो रैंकिंग निकालोगे आप वो डिवीजन के बेसिस पे निकालोगे कौन से डिवीजन में कौन सा स्टूडेंट्स नंबर 1 पे है राइट अंडरस्टैंड हुआ तो विंडोज फंक्शन में क्या है ऑर्डर बाय इज मैंडेटरी ओके फाइन Now I can find top 2 employee from each department based upon salary. अभी इसका मुझे आंसर दो कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं टॉप 2 एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट के अंदर के मुझे टॉप 2 एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं बेस अपॉन सैलरी तो क्यूरी कैसे लिखेंगे हम Select star from, let's say select star from employee and in this where मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ कॉमा देके रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय क्या आएगा पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी राइट ऑर्डर बाय क्या आएगा सैलरी एज आर्यन
इफ आई रन दिस मुझे क्या मिलेगा कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए रैंकिंग मिलेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1। नाउ अगर मुझे ये रैंकिंग का कॉलम मिल रहा है तो इस कॉलम के बेसिस पे मैं टॉप टू ये जो सैलरी को ये जो रैंकिंग बना है ये किस बेसिस पे बना है अभी असेंडिंग बेसिस पे बना है ना, जिसकी सबसे कम सैलरी हो उसको वन मिला है। लेकिन हमें क्या ढूंढने है, टॉप टू एम्प्लॉय ढूंढने हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा हो, तो सैलरी को हमें क्या करना पड़ेगा डिसेंडिंग करना पड़ेगा। इफ आई रन दिस अगेन नाउ 15,000 विल बी ऑन फर्स्ट पोजिशन। तो हमें अभी दिख रहा है कि मोहित एंड दिस पर्टिकुलर विकास एंड अंकित ये जो है ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्या है इनकी सैलरी ज्यादा है। ओके ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं सीटी में इसको रख दूंगा कि विथ सीटीई एज देन इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा दिस इज माय सीटीई। मैं यहाँ पे वापस सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस सिटी वेयर आर्यन इज लेस देन इक्वल टू टू। इफ आई रन दिस मुझे 100 के अंदर के दो एम्प्लॉय मिलेंगे, 200 के अंदर के दो एम्प्लॉय मिलेंगे, 300 एंड 500 के अंदर एक एक ही एम्प्लॉय फिर भी वो मिलेगा मुझे यहाँ पे। आया समझ में ये how we find top two employee from each department based upon salary? Okay, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे सेम रैंकिंग क्यों नहीं मिली, यहाँ पे 2-3 क्यों मिला है, कौन बताएगा मुझे? ये सैलरी सेम है राइट, 10,000 10,000, तो ये रैंकिंग 2-3 सेम मिला है मुझे, ये अलग अलग रैंकिंग क्यों मिला है? बिकॉज़ हमने उसको एम्प्लॉय आईडी पे ये नहीं किया। नहीं, एम्प्लॉय आईडी पे किया होता तो डिफरेंट मिलता, पार्टीशन बाय अपन डिपार्टमेंट आईडी गेट लेना। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? ये जो डिपार्टमेंट आईडी है इस डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे हमने पार्टीशन किया, तो रैंकिंग इस पार्टीशन के लिए एक बनेगा। रैंकिंग क्या बना? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, जिसकी ज्यादा सैलरी उसको एक नंबर रैंकिंग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 10,000 10,000 अगर सेम है तो इनका रैंकिंग अलग अलग क्यों बना है? कि अपने रो नंबर यूज करते हैं ना सर दर्जा मध्ये। यस, हमने यहां पे रो नंबर यूज किया राइट। रो नंबर का काम क्या है, हर एक रो के लिए एक सेपरेट रैंकिंग देता है ना। रो नंबर से लाइन एट लाइन देते है 1 टू 10 पर्यंत सिंपली। यस, यहां पे आप रो नंबर यूज कर सकते हो या कौन सा यूज कर सकते हो, यहां पे डेंस रैंक भी यूज कर सकते हो अगर आपको वैसी रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स से मैंने यहां पे डेंस रैंक यूज किया तो क्या आउटपुट आएगा? डेंस रैंक मैंने डाला है यहाँ पे एंड आगे का जो पोर्शन है मैं सेम रखता हूँ। इफ आई एग्जीक्यूट दिस दिस ओनली आई एग्जीक्यूट सी अभी क्या आएगा, सेम रैंकिंग आएगा ना 2-2। तो जब आउटपुट में लेस देन इक्वल टू 2 यूज करूंगा तो ये दोनों की दोनों रो आएंगे 10,000 10,000। So it totally depends upon what output you need. अगर आपको duplicates के साथ चाहिए then dense rack के साथ जाओ, duplicates नहीं चाहिए then row number के साथ जाओ। यहाँ पे भी अगर मैंने यहाँ पे order by salary के बाद employee ID किया तो ये distinguish देगा मुझे, जैसे row number का output होगा वैसे ही देगा salary में अगर employee ID मैंने add कर दिया तो, क्योंकि salary और employee ID का combination unique बनेगा। क्यूरी को घुमाना समझ में आ रहा है क्या सबको, हम कैसे फंक्शंस को घुमा रहे हैं यहाँ से, एज पर रिक्वायरमेंट हम फंक्शन कैसे चेंज कर रहे हैं? ठीक है,
समझ में आया ये सबको? देन कैन वी एड मल्टीपल कॉलम्स इन वन पार्टीशन बाय? हमने देखा कि पार्टीशन बाय में डिपार्टमेंट आईडी हमने एक कॉलम यूज किया. कैन वी यूज मल्टीपल कॉलम्स इन पार्टीशन बाय? यस डेफिनेटली राइट, क्योंकि हमने देखा कि पार्टीशन बाय में हम जितने कॉलम्स यूज करेंगे उतने कॉलम के हिसाब से उनका कॉम्बिनेशन के हिसाब से रैंकिंग बनेगी. ठीक है, नाउ टेल मी, लेट्स फाइंड. अभी हमारे पास जो ऑर्डर का टेबल है उसको अगर मैं देखूं तो मुझे फाइंड आउट करने हैं. लेट्स फाइंड टॉप टू प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी बेस्ड अपॉन सेल्स. हमारे पास ऑर्डर का टेबल है राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, दिस इज आवर ऑर्डर टेबल. इस ऑर्डर टेबल को देखो और मुझे बताओ कि इस क्यूरी को हम कैसे फाइंड आउट करेगी. फाइंड टॉप टू प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी. टॉप टू प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी मतलब हर एक कैटेगरी के अंदर के टॉप टू प्रोडक्ट्स जिनका सेल ज्यादा है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको? तो फर्स्ट अपन त्याचा सेलचा सम करायचा आहे. त्याला पहिला एक दोन सिटीचा यूज करून आपण हा क्वेश्चन सॉल्व करू शकतो सर. ओके राइट, सबसे पहले हमें एग्रीगेशन करना पड़ेगा राइट. सो मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या ले रहा हूँ? लेट्स से मैं ले रहा हूँ कैटेगरी. Then product ID, sum of sales as total sale from orders. Then group by में क्या आएगा? ओके, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? फर्नीचर कैटेगरी मिलेगी, फर्नीचर कैटेगरी के साथ उसके प्रोडक्ट मिलेंगे एंड टोटल सेल मिलेगा. ठीक है, नाउ हमें अभी क्या करना है? हमें रैंकिंग करना है ना, इस टोटल सेल को रैंकिंग करना पड़ेगा हमें. इस टेबल को अगर मैं रैंकिंग करूँ तो इस टोटल सेल को रैंकिंग करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको एक सिटी बना लेते हैं पहले विथ सिटी वन एज. ठीक है, नाउ लेट्स मी सेलेक्ट से स्टार कॉमा फ्रॉम सिटी वन और मैं यहाँ पे रैंकिंग दे रहा हूँ. लेट्स से रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय में क्या आएगा? पार्टीशन बाय में क्या आएगा? कैटेगरी ऑर्डर बाय this total sale right descending as rn ऐसे लिख सकते हैं ना हम correct. if I run this see furniture के लिए 1 2 3 मोर मिलेगा. ये कहाँ तक मिलेगा? जब तक फर्नीचर है. जैसे फर्नीचर यहाँ पे फर्नीचर खत्म हुआ, ऑफिस सप्लाई शुरू हुआ, उसका रैंकिंग अगेन स्टार्ट हुआ 1 2 से. दिख रहा है? फर्नीचर का 375 तक खत्म हुआ, फिर ऑफिस सप्लाईज का अगेन रैंकिंग 1 से स्टार्ट हुआ. नाउ वी कैन यूज द वेयर क्लॉज राइट. आर एन इज लेस देन इक्वल टू 2 तो अगेन मैं यहाँ पे इसको दूसरी सिटी में ला रहा हूँ. दूसरी सिटी को हम कैसे लिखते हैं? पहले सिटी जहां खत्म होती है वहां पे कॉमा देते हैं,
विथ नहीं लिखते, विथ फर्स्ट टाइम ही लिखते, एक बार ही विथ लिखता है। दूसरी सिटी में सिंपली डायरेक्टली सिटी का नाम सिटी टू एज इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। एंड नाउ लास्ट फाइनल आंसर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी टू वेयर आर एन इज लेस देन इक्वल टू टू। फिर इसको एग्जीक्यूट किया हमने तो हमें क्या मिलेगा, ईच कैटेगरी के अंदर के टॉप टू प्रोडक्ट। समझ में आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आया सबको? यस सर। नाउ अभी आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक है, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो मुझे अगर ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं जिनका से एम्प्लॉय एज, तो टॉप टू एम्प्लॉय फाइंड आउट करने जिनका एज जो है वो ज्यादा है, टॉप टू हाईएस्ट एज वाले एम्प्लॉय फाइंड आउट करने, फाइंड आउट कर पाओगे टॉप टू एम्प्लॉय ओवरऑल whose age is highest, age is more, top two employee find out करने overall इस particular employee table से जिनका age is सबसे ज्यादा है। then next question is मुझे ऐसे top three employee चाहिए या top one employee चाहिए of one employee from each department whose age is highest। A top one oldest employee from each department, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, टॉप वन ओल्डेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, टॉप वन ओल्डेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट? बताओ, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, विंडोज पार्टीशन बाय डिस्ट्रीब्यूटरी वन ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, तो पार्टीशन बाय आएगा डिपार्टमेंट के बेसिस पे, ऑर्डर बाय आएगा एज के बेसिस पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लेट्स से टॉप वन एम्प्लॉय टॉप वन ओल्डेस्ट एम्प्लॉय या टॉप टू ओल्डेस्ट एम्प्लॉय हूज एज इज ग्रेटर देन मैनेजर्स एज। ठीक है, ये क्वेश्चन एक सॉल्व करने का ट्राई करो, मुझे ऐसे टॉप टू एम्प्लॉय चाहिए जिनका एज जो है ग्रेटर देन मैनेजर से एज। क्वेश्चन समझ में आया सबको? इसमें अपने को क्या यूज करना पड़ेगा,
सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा, देन यू नीड टू फाइंड ऑन दैट सिटी आपको रैंकिंग यूज करनी पड़ेगी जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको एक ट्राई करो सॉल्व करने का, दिस टॉप टू ओल्डेस्ट एम्प्लॉय हुज एज इज ग्रेटर देन मैनेजर्स एज, और इसी क्यूरी को आपको फाइंड आउट करना है, टॉप वन ओल्डेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट हुज एज इज ग्रेटर देन मैनेजर्स एज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्या फाइंड आउट करना है? यस सर। फाइन, तो विंडोज एनालिटिकल फंक्शन में किसी को कुछ डाउट है? अंडरस्टैंड हो रहा है ना? इंपॉर्टेंट है यहाँ विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम में आते हैं ये फंक्शंस एक्चुअल जब आप काम करते हो, इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसकी अच्छे से तैयारी करना। ओके, आज लेक्चर थोड़ा ही टाइम होगा क्योंकि आई थिंक मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ रेन। सर बोलो। सर वो नेक्स्ट असाइनमेंट आप शेयर करने वाले थे ना? अच्छा मुझे बताओ कितनी असाइनमेंट्स आप लोगों को मिली है अभी तक? एक ही मिली है? एक ही मिली सर। हाँ मुझे लगा कि एक असाइनमेंट। ओह माय गॉड, एक ही असाइनमेंट है, ठीक है मैं और तीन असाइनमेंट आपको देता हूँ फिर, ठीक है। अभी मैं भूल गया, असाइनमेंट वन मैंने दी है राइट आपको, असाइनमेंट टू थ्री फोर फाइव ही रख लो। यस सर। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगा, मंडे को, मंडे या ट्यूसडे को। ठीक है चलो फिर मिलते हैं अपन कल। लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो जरा ट्राई करना सॉल्व करने का उसका। ओके okay?